हेलो फ्रेंड्स, अपने आज के इस ट्यूटोरियल में हम लूप्स के बारे में पढ़ेंगे कि लूप्स क्या है सी शार्प में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। लूप्स आर यूज्ड फॉर इटरेशन पर्पसेस, डूइंग अ टास्क मल्टीपल टाइम्स, यूजुअली अंटिल अ टर्मिनेशन कंडीशन इज मेट। जो हमारी लूप्स होती हैं, इन्हें हम इटरेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हमें कोई भी मल्टीपल टास्क रिपीट करने होते हैं, हमें अपने एक प्रोग्राम में एक लाइन को, एक टास्क को मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म करना होता है। इसमें क्या होती है, हमारी कंडीशन होती है बेसिकली कि जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है तो वो हमारी जो लूप है चलता रहेगा और ट्रू वैल्यूज रिटर्न करेगा। पर जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम लूप से बाहर आ जाते हैं और हमारी कोई भी वैल्यूज एग्जीक्यूट नहीं होती। नेक्स्ट, लूपिंग इज द एबिलिटी टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड एक्स टाइम्स। जो लूपिंग है वो क्या है कि इसमें हम किसी भी कोड को नंबर ऑफ टाइम्स है जो रिपीट कर सकते हैं। इन सी शार्प दे कम इन फॉर डिफरेंट वेरिएशंस एंड वी विल हैव अ लुक एट ईच वन ऑफ देम। सी शार्प ने क्या है कि हमारे पास चार तरह के वेरिएशंस हैं। चलिए देखते हैं, द व्हाइल लूप, द फॉर लूप, द डू लूप, द फॉर ईच लूप। अपने आज के इस ट्यूटोरियल में हम व्हाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे। द व्हाइल लूप सिंपली एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज द कंडीशंस यू गिव इट इज ट्रू। तो हमारा व्हाइल लूप क्या है, ये हमारे ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता है तब तक जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है। जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये हमारा लूप से बाहर आ जाता है। चलिए अब हम इसका एक सिंटैक्स देख लेते हैं। व्हाइल, उसके बाद हमने कंडीशन, बुलियन एक्सप्रेशन, आप यहाँ पे कोई भी कंडीशन दे सकते हैं, देन उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, और देन उसके बाद हमारी जो स्टेटमेंट्स है हम अपनी एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। नेक्स्ट, द स्टेटमेंट कैन बी एनी वैलिड सी शार्प स्टेटमेंट्स, कोई भी सी शार्प की वैलिड स्टेटमेंट हो सकती है। द बुलियन एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड बिफोर एनी कोड इन द फॉलोइंग ब्लॉक हैज एग्जीक्यूटेड। जो हमारी कंडीशन है वो एग्जीक्यूट होती है, इवैल्यूएट होती है किसी भी कोड से पहले, उस ब्लॉक के एग्जीक्यूट होने के पहले। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द बुलियन एक्सप्रेशन इवैल्यूएट्स टू ट्रू द स्टेटमेंट्स विल एग्जीक्यूट। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, जब हमारी कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन है, जो कंडीशन है, यानी कि जब तक वो ट्रू है तो जो हमारी स्टेटमेंट्स है उस ब्लॉक के अंदर वो हमारी एग्जीक्यूट होती रहेंगी। वंस द स्टेटमेंट्स हैव एग्जीक्यूटेड, कंट्रोल रिटर्न टू द बिगिनिंग ऑफ द व्हाइल लूप टू चेक बुलियन एक्सप्रेशन अगेन। जब तक हमारी वो सारी स्टेटमेंट्स है जो एग्जीक्यूट हो रही हैं, तो जो हमारा कंट्रोल है वो रिटर्न कर जाता है हमारे व्हाइल लूप की स्टार्टिंग पर, उसी एक्सप्रेशन को यानी उस कंडीशन को फिर से चेक करने के लिए। नेक्स्ट, व्हेन द बुलियन एक्सप्रेशन इवेल्युएट्स टू फॉल्स, लूप स्टेटमेंट्स आर स्किप्ड एंड एग्जीक्यूशन बिगिंस आफ्टर द क्लोजिंग ब्रेस ऑफ दैट ब्लॉक ऑफ कोड। और जैसे ही हमारी कंडीशन क्या है फॉल्स हो जाती है, तो उस लूप की जो सारी स्टेटमेंट्स है वो स्किप हो जाती हैं और हमारी जो एग्जीक्यूशन है वो उस कोड से यानी उस पर्टिकुलर ब्लॉक से बाहर आ जाती है। तो चलिए अब हम इसका एक डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, एग्जाम्पल। तो जैसा मैंने कि यहाँ पे कोड पहले से ही टाइप किया हुआ है, मैंने क्या किया, यहाँ मेन मेथड में एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है आई, उसमें वैल्यू असाइन करवा दी मैंने 1। देन उसके बाद मैंने सिंटेक्स के अकॉर्डिंग व्हाइल कंडीशन लगाई। मेरी कंडीशन क्या है कि आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कि जो मेरी आई की वैल्यू है वो 10 से छोटी होनी चाहिए या फिर उसके इक्वल होनी चाहिए। उसके बाद मैंने क्या किया, कंसोल डॉट राइट लाइन मेथड से आई को प्रिंट करवा दिया क्योंकि मुझे आई की वैल्यू ही चाहिए। उसके बाद मैंने फिर कंडीशन लगाई आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1, कि जैसे पहले मेरी 1 वैल्यू प्रिंट होगी, देन 1 प्लस 1 2 3, सो ऑन ऐसे। फिर उसके बाद मैंने रीड लाइन मेथड लिया स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। तो चलिए अब हम इसे रन करके देख लेते हैं। तो जैसा कि अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे पास आउटपुट आ चुकी है हमारी आउटपुट स्क्रीन पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारी सारी 10 तक वैल्यूज प्रिंट हो चुकी है। चलिए अब इसे समझते हैं। सबसे पहले क्या है कि हमने आई को 1 वैल्यू असाइन की, तो व्हाइल लूप में ये कंडीशन चेक हुई 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, तो हमारा 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद ये कंडीशन ट्रू थी, आई की वैल्यू प्रिंट होगी, देन आई इंक्रीमेंट हुआ यानी 1 प्लस 1 2, फिर 2 की वैल्यू अगेन चेक हुई, 2 भी 10 से छोटा है तो हमारी 2 वैल्यू प्रिंट होगी। इसी तरह से फिर अगेन इंक्रीमेंट हुआ और 2 प्लस 1 3, उसके बाद हमारा क्या है कि हमारी 3 वैल्यू भी छोटी है 10 से, तो इस तरह से इंक्रीमेंट होता जाता है और 10 तक वैल्यू प्रिंट होगी। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही हमारी वैल्यू 1 इंक्रीमेंट हुई 10 से, यानी 11 होगी, तो 11 जो 10 से छोटा नहीं है तो वो फॉल्स रिटर्न होगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई वैल्यू प्रिंट नहीं हुई है, तो हम उस लूप से बाहर आ गए।
तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये इस तरह से व्हाइल लूप की एग्जीक्यूशन होती है। और एक बात और कि जब हम कोई भी वेरिएबल लेते हैं उसमें वैल्यू असाइन करना जरूरी होता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे आई की वैल्यू जो मैंने असाइन की थी उसको रिमूव करके इसको सिंपली डिक्लेयर करके फिर से डिबग करती हूँ, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास एरर शो हो रहे हैं। एरर लिस्ट में क्या कह रहा है कि यूज ऑफ अनअसाइन लोकल वेरिएबल आई, यानी मुझे उसकी जो वैल्यू है वो असाइन करनी जरूरी है। तो इसलिए मैं फिर से इसे यहाँ पे, तो फिर से मैं इसे पहले डिबग ऑप्शन पे जाके स्टॉप डिबगिंग करती हूँ। अब यहाँ पे मैं चेंजेस करती हूँ इज इक्वल टू, मैंने 1 दे दी और फिर से मैंने इसको कंट्रोल एस से सेव करके डिबग करूंगी। तो आप देख रहे हैं कि मेरी आउटपुट फिर से वैसे ही शो हो रही है जैसे मेरी पहले हो रही थी, 1 से 10 तक सारे नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं। तो इस तरह से अपने आज के इस ट्यूटोरियल में हमने व्हाइल लूप के बारे में देखा, उसकी एग्जाम्पल देखी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।